शहीदों के सरताज सिख समाज के पंचम गुरु अर्जुन देव महाराज के शहीदी पर्व सोमवार को मोहद्दीपुर स्थित गुरुद्वारा पर गुरु नानक सत्संग सभा के तत्वावधान में श्रद्धापूर्वक मनाया गया, जिसमें सत्संग सभा की तरफ से सुखमनी साहिब के पाठ के उपरांत सहज पाठ साहिब की समाप्ति के बाद भाई रक्षपाल सिंह द्वारा गुरुवाणी के उपरांत मनप्रीत सिंह ने सुखवाणी कीर्तन किया। तत्पश्चात लंगर के माध्यम से हजारों श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर सरदार राजेंद्र सिंह, अनमोल सिंह, धनवंत सिंह, गुरप्रीत सिंह, सिख समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गुरु नानक सत्संग सभा के सचिव मनमोहन सिंह ने कहा, मनमोहन सिंह लाडे, सचिव गुरुद्वारा कमेटी मोहद्दीपुर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम शहीदों के सरताज, सिख धर्म में पहली शहादत देने वाले पंचम गुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का महान शहीदी पर्व मना रहे हैं, जिन्होंने मानवता के धर्म के लिए अपनी शहादत दे दी। उस समय के जुल्मी बादशाह जहांगीर ने उनको सनातनी धर्म की रक्षा करने के जुर्म में उनको गरम देख पे बिठाकर उनको शहीद कर दिया। आज उन्हीं की शहादत को नमन करते हुए हम सभी गोरखपुर नगर निवासी उस महान गुरु को अपनी श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए गुरुद्वारा साहब श्री गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर में महान शहीदी पर मना रहे हैं, जिसमें भाई साहब भाई रागी सिंह रक्षपाल सिंह जी गुरुद्वारा मोहद्दीपुर वाले, भाई साहब भाई मनप्रीत सिंह जी गुरुद्वारा जटाशंकर वाले गुरबाणी शब्द कीर्तन से संगत को निहाल कर रहे हैं। साथ में ही कोरोना वायरस को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लंगर की पैकिंग सेवा हो रही है। जो भी संगत आ रही है शब्द कीर्तन सुनकर प्रसाद लेकर अपने अपने घरों को जा रही हैं। ऐसे महान गुरु की शहादत को हम बारंबार नमन करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।